नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए जेटेड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, जेटेड परीक्षा में यहाँ पर जो है आपको पढ़ाई शुरू कर दी गई है। जेटेड परीक्षा का बहुत अधिक सिलेबस की समाप्ति भी कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज शुरुआत किया गया है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में कोई भी आदमी जुड़ सकता है, जिसको भी वीडियो देखने के बाद लगे कि नहीं, हमें टेस्ट सीरीज देना है 1 से 5 शिक्षक का। तो अभी देखिए, आपको 20 टेस्ट सीरीज की कीमत मात्र 200 रुपये में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और ढेरों सारे इनाम जीत सकते हैं आप, जिसमें प्रथम पुरस्कार की राशि 50 रुपये रखी गई है, द्वितीय पुरस्कार की राशि 20 रुपये और तृतीय पुरस्कार की राशि 10 रुपये। यदि 20 टेस्ट सीरीज के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो आप 200 रुपया पेमेंट करके 20 टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि हम जिस टेस्ट सीरीज में जुड़े उसमें करें, तो आप डेली 20 रुपया दे करके आप टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। डेली 20 रुपया दे करके आप प्रत्येक टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं और यहाँ से प्रथम पुरस्कार 50 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये और तृतीय पुरस्कार 10 रुपये पा सकते हैं। और उसमें ऐसे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं जो आपके जेटेड परीक्षा की दृष्टि से, जैक मॉडल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से देखिए, आज टेस्ट सीरीज कि हम आपके लिए यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ जो चल रही थी उसके टेस्ट सीरीज का नंबर 20 लेकर के आए हुए हैं। और यह 1 से 5 शिक्षक के लिए टेस्ट सीरीज था, जो 20वां टेस्ट सीरीज चला और यह टेस्ट सीरीज अंतिम हो गया, ठीक है। अंतिम हो गया, समाप्त हो गया टेस्ट सीरीज 1 से 5 शिक्षक का। अब यहाँ पर देखिए, आपको 6 से 8 सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक दोनों का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। तो आप में से जो शिक्षक चाहते हैं कि हम करें तो वो यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए 20 टेस्ट सीरीज की कीमत कितनी रखी गई है, तो 200 रुपये रखी गई है, ठीक है, 200 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर जो शिक्षक जुड़ करके करना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप 10 शिक्षकों को डेली प्राइज भी किया दिया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा, ठीक है, डेली पुरस्कार भी दिया जाएगा टॉप 10 शिक्षकों को। तो आप सभी जुड़ जाएंगे और यहाँ पर जो है आप तैयारी ज़रूर करेंगे, क्योंकि यह ऐसे टेस्ट सीरीज के प्रश्न हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जैक की किताब से बनाए गए हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज को देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जेटेड की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 500 रुपये में 1 से 5 की तैयारी करवा जा रही है। 6 से 8 की भी तैयारी पूरी 500 रुपये में, JCERT जैक की किताब का 6 से 10 तक का कंप्लीट नोट्स और PDF वीडियो सब कुछ मिल रहा है। और अगर दोनों की तैयारी करना है तो सिर्फ और सिर्फ अभी दशहरे ऑफर पर आपको 700 रुपये चल रहे हैं। 1000 के जो राशि थी उसको 700 कर दी गई है, तो आप 700 रुपये में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। वृद्धि जो हमारे शरीर की वृद्धि होती है उसको प्रभावित कौन कौन चीज़ करता है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या सभी, ठीक है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक होता है वो पर्यावरण भी होता है जो वृद्धि को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी होता है, आहार भी होता है, यानी इसमें राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किससे कहा जाता है, भाषा जो सीखी जाती है उस भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किससे माना जाता है, पूर्व प्राथमिक कक्षा, प्ले विद्यालय, घर को या सभी को, ठीक है। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किससे माना जाता है आपको बताना है। तो देखिए, भाषा शिक्षण की प्रथम शिक्षा जो है वो यहाँ पर घर को ही माना जाता है, किसको माना जाता है, घर को ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रथम कक्षा किससे माना जाता है, तो प्ले विद्यालय भी चलेगा, पूर्व प्राथमिक भी चलेगा, यानी राइट आंसर आप इसका सभी में डाल सकते हैं, ठीक है। शिक्षक को गृह कार्य की जाँच करनी चाहिए, शिक्षक को गृह कार्य की जाँच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र रहे, ठीक है। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच कब करनी चाहिए, तो रेगुलर करना चाहिए, नियमित करना चाहिए, रेगुलर जो हमारा है वो नियमित जांच होना चाहिए, होमवर्क, ठीक है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, अनुबंधन द्वारा या सभी। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट कर, नहीं, दोषारोपण दे करके नहीं, अनुबंधन द्वारा। एक नाम होता है अनुबंधन, जिसमें बच्चों को क्या किया जाता है, तो बहुत सी चीज़ों को वहाँ पर जानकारी दे करके और उनकी बुरी आदतों को छोड़ाया जाता है, ठीक है। तो अनुबंधन द्वारा यह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आता है, ठीक है। जल में घुलनशील है, दो चीज़ इसमें से देखिए आता है, जो आपको यहीं पर हम वीडियो में क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसे इसका ट्रिक हमने इसके पहले पढ़ा दिया है आप लोगों को, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं जान रहे होंगे। तो देखिए, दो प्रश्न आता है इसमें, ठीक है। क्या आता है सो सुन लीजिए आप लोग, कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है, और कौन सा विटामिन जो है
आपको वसा में घुलनशील है। दो चीज़ आता है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, दो चीज़ जल और वसा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, देखिए कीड़ा देखते हैं ना, कीड़ा 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 याद रखिएगा, कीड़ा मैंने इसी को हम लोग कीड़ा कहेंगे, कीड़ा कीड़ा को देखिए एक चीज़ आप कभी गौर कीजिएगा, कीड़ा ये जल पर रखिएगा, मान लीजिए जल पर एक कीड़ा है, ये कीड़ा तो ये जल में घुलता नहीं है, याद रखिएगा ये जल में नहीं घुलता है, ये जल पर छहल जाता है, जल पर छहल जाएगा, जल पर घुलेगा नहीं। कीड़ा को कभी भी देख लीजिएगा आप लोग सभी को, ठीक है, इसका मतलब है कि कीड़ा जो है ये जल में नहीं घुलता है, ये जल में नहीं घुलता है, ठीक है। यानी विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए ये जल में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप जब इसके पहले विटामिन के बारे में चैप्टर को पढ़े होंगे तो मुख्य विटामिन किसको किसको आप पढ़े थे, तो मुख्य विटामिन था ए बी सी डी ई और के, इसी से सब कुछ प्रश्न आता है, इतने ही से आता है ना, तो इतने ही में से कौन कौन जल में घुल गया। अब देखिए आपको तो पता चल गया, तो मुख्य रूप से होता है ए बी सी डी ई और के, यही होता है ना। तो इसमें केड़ा तो जल में नहीं घुलता है, अभी आपको बताएं केड़ा जल में नहीं घुलता है, तो के जल में नहीं घुलेगा, ई जल में नहीं घुलेगा, डी जल में नहीं घुलेगा, ए नहीं घुलेगा, तब दुइये को आपके पास बचा बी और सी, तो ये बी और सी जो है जल में घुलनशील है, याद रखिएगा ये बी और सी जो है जल में घुलनशील है, ठीक है, और ये केड़ा जल में नहीं घुलता है। तो केड़ा अब बताइए कहाँ घुलता है, तो केड़ा को यदि आप तेल में भूंज के अगर बना दीजिएगा सब्जी के रूप में तो ये पूरा घुल जाता है, ठीक है। तो तेल मतलब क्या चीज़ हो गया, वसा, यानी केड़ा वसा में घुलता है, केड़ा कहाँ घुलता है, वसा में। तो केड़ा के बारे में याद रख लीजिए, केड़ा केड़ा या इसे हम कीड़ा कहते हैं, जल में नहीं घुलता है, वसा में घुलता है, तो केड़ा जल में नहीं घुलता है, यह वसा में घुलता है, ठीक है। अब बी एफ सी जल में घुलता है, यही प्रश्न पूछता है आपसे, बाकी कोई प्रश्न इसमें से नहीं आता है, ठीक है। आप सभी समझ गए होंगे आशा करते हैं। वायु में CO2 की मात्रा कितनी है, 0.01%, 0.05%, 0.03% या 3.30% क्या है, ठीक है। देखिए हमारा जो वायुमंडल है, याद रखिएगा हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, इस तरह से चलता है, इसमें 78% जो है नाइट्रोजन गैस होता है और 21% जो है ऑक्सीजन गैस होता है, ऑक्सीजन O और N, ठीक है। अब बचा है यहाँ पर कितना, 99% यानी 1%, 1% में ही कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन, मीथेन सभी गैसें होती है, तो इसमें कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो 0.03% मात्रा मिलता है, तो 0.03 याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ़ पिघल जाए तो जल का तल ऊंचा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या सभी, ठीक है। तो पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ़ पिघल जाए तो जल का तल क्या हो जाएगा बताइएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऊंचा हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा या सभी, ठीक है। तो देखिए पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ़ पिघल जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जल का तल क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है, देखिए हमारी जो ओजोन परत है वो नष्ट हो रही है, प्रश्न देखिए बहुत ही बारीकी से आपके झारखंड के शिक्षक भर्ती में ही ये प्रश्न आया था, झारखंड के शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही ये प्रश्न आया था और ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो हमारी ओजोन परत को गैस नष्ट कर रही है जिससे हमारे पृथ्वी का तापमान क्या बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ओजोन परत को जो नष्ट कर रही है गैस उसका नाम है सी एफ सी, ठीक है, उसका नाम क्या है, सी एफ सी है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अब देखिए सी एफ सी गैस कभी कभी ये भी पूछता है कि जो वातावरण में सी एफ सी गैस निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, किससे हो रही है,
तो ये जो गैस निकल रही है आपका रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर ये सब से ये गैस निकलती है और ये क्या करते हैं ओजोन परत को नष्ट करती है। ठीक है, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर, टंकी का आयतन ज्ञात करें 13.2, 12.5, 14.4, 15.4 मीटर क्यूब क्या होगा। ठीक है, देखिए टंकी की लंबाई दिया हुआ है, मान लीजिए एक टंकी है, इस तरह की टंकी होगी। ठीक है, यह टंकी है, इसमें कुछ मोटाई भी रहता है ना, इस तरह से ये टंकी होगी, ये टंकी है। आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 2.4 मीटर है, ये चौड़ाई है 2.4 मीटर है, तथा गहराई 1 मीटर है, गहराई जो है 1 मीटर है। ठीक है, टंकी का आयतन ये किस आकार का हो गया, घनाभ के आकार का हो गया। ठीक है, एक आयताकार टंकी है, आयताकार टंकी इसलिए घनाभ के आकार का हो गया। ठीक है, अब इसका आयतन बराबर क्या होगा, तो घनाभ का आयतन आपको याद रखना है एल गुने बी गुने एच होता है ना। अब इसके लिए लिख लीजिए, तो एल गुने बी गुने एच है, एल आपके पास 6 है, 2.4 है, बी एच है 1, गुना कर लीजिए 4×6=24, 2×12 और 2×14, और 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 0.1 अंक के बाद है तो यहाँ पर दीजिएगा तो 14.4 m³ हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा, 700, 800, 714 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए योग कर लेते हैं पहले, 496 योग 318, 86 कितना हो गया, 86 14 हो गया, 9 1 10 और 1 11 हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया, यानी इसका योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 814। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, आपको निकटतम मान किसका किसका देता है ये आपको पढ़ना है 6th क्लास में, निकटतम मान किसका किसका देगा, तो बोलेगा 10 का निकटतम ज्ञात कीजिए, बोलेगा 100 का निकटतम ज्ञात कीजिए, बोलेगा 1000 का निकटतम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और आपके एग्जाम में आते हैं, 10 का निकटतम बोलेगा, कभी 100 का निकटतम बोलेगा, कभी 1000 का निकटतम बोलेगा, क्लियर हो गया ना आपको, चलिए ठीक है क्लियर हो गया होगा। देखिए जब 10 का निकटतम बोलेगा तो 10 का आधा कितना होता है, 5। ठीक है, तो 5 के पहले वाला जितना होगा जैसे 4 3 2 1 ये सब 0 पर समाप्त हो जाएगा, 0 पर। ठीक है, और इधर जो होगा जैसे 5 से ऊपर हो गया, 5 से ऊपर हो गया माने 6 7 8 9, तो वो 1 बढ़ा करके 0 पर समाप्त होगा। अब चलिए एक क्या बढ़ेगा और एक क्या घटेगा इसको देख लीजिए, जैसे किसी ने बोला 14 का निकटतम मान 10 के निकटतम है, ये ठीक है, या 514 का निकटतम मान 10 के निकट में बतावें, 10 के, ठीक है, तब यहाँ पर 514 का निकटतम मान 10 बताना है, 10 के लिए इकाई अंक 5 पर देखना है, तो ये इकाई अंक है तो इसका 5 पर देखेंगे तो 5, तो 5 से क्या हो गया, छोटा, तो ये जो अंक दिया है वही रहेगा, 5 1 और ये 4 है, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 510 होगा, क्लियर। अब देखिए अगर यही आपको अंक चेंज होता, जैसे अभी 514 था अब 516 होता, तो क्या होता है, इसका निकटतम मान 5 का तो 10 का, तो 10 के लिए 5 पर देखते हैं तो यहाँ देखते 5, तो ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, तो 5 होगा, या 51 था, तो ये क्या हो जाएगा आपको, बढ़ जाएगा आपको याद रखिएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो 5 और 51 में इसमें 1 बढ़ा 2 और बाकी इसके लिए 0 लीजिएगा, तो 520 होगा, दोनों में ये अंतर है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है, यानी 16 का अकला 0 पर अगर जाएगा तो वो 20 बन के जाएगा, क्या जाएगा, 20, तो ये याद रखिएगा। ठीक है,
उसी तरह से यहाँ पर किसके सैकड़ा के लिए बोला है, तो आपको आया कितना है 814। तो सैकड़ा के लिए हमको देखना है 50 पर, किस पर देखना है 50 पर, 50 पर, 50 से नीचे तो जो अंक है वही रहेगा और जीरो जीरो लग जाएगा, जीरो जीरो, ठीक है। और अगर 50 से ऊपर है तो जो अंक है उसमें एक जोड़ करके जीरो जीरो देना है, एक जोड़ करके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 814 आया, 814, तो इसका सैकड़ा में मान है, सैकड़ा में निकटतम मान बताना है। तो ये सैकड़ा के लिए, ये तो सैकड़ा हो गया ना, तो सैकड़ा के लिए 50 पर देखते हैं, तो 50 से कम है ना, तो 8 रह जाएगा और दो गो अंक है तो दो गो जीरो हो जाएगा, 800 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका 800 हो जाएगा, बी, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, दो पूर्णांक 1/4 भागे 3/4 का मान क्या है, दो पूर्णांक 1/4 भागा 3/4 का मान क्या है, 4 × 2 = 8 और 1 = 9, 9/4 और भागा 3/4, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9/4 भागा का चिन्ह गुना 4/3, 3 × 3 = 9, 4×4 कट गया, यानी 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। 3 किस में है, तो 3 सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। -0.008 का घनमूल है, -0.008 का घनमूल है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर माइनस है और तीन गो के लिए घनमूल होता है, तो माइनस ही ऑलरेडी होगा। और आठ किसका होता है, आठ किसका होता है बताइएगा, तो आठ दो का होता है, दो का क्यू आठ होता है, ठीक है, दो का क्यू आठ होता है, दो गुने दो होता है ना। अब देखिएगा, तो यहाँ पर जो इसका घनमूल हो जाएगा वो आपका 0.08 है, तो यहाँ पर इसका घनमूल निकाल के आप देखिए तो 0.2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.2, ठीक है। तो घनमूल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर, तो 0.08 है, 0.08, ठीक है। इसको दशमलव जब हम यहाँ से हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बच गया आपको, तो रूट क्यू और ऊपर 8/ कितना हो गया, 1000, ठीक है। 8 का घनमूल कितना होगा, 8 को तोड़िएगा, तो 8 को जब आप तोड़ेंगे, 8/1000 आया है, देखिएगा 8/1000 यही है ना, रूट क्यू 8/1000, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका से कीजिएगा, 8 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। तो रूट क्यू हो गया और 8 के लिए हम लोग लिखे 2 × 2 × 2। अब देखिए यहाँ पर 1000 है, तो 1000 के लिए लिख लीजिएगा 10 × 10 × 10। ये तीन गो के लिए एक गो बाहर निकलता है, ये तीन दिया हुआ है, इसका मतलब तीन गो के लिए एक बाहर निकाली, तो 2 निकला और इसके लिए 10 निकला, 2/10 यानी क्या हो जाएगा, 0.2, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिएगा, सब कुछ बनाया हुआ है। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग को चुनिए, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स। देखिए ज्योग्राफी का भी स्पेलिंग सही है, हिस्ट्री का भी स्पेलिंग सही है, सिविक्स का भी स्पेलिंग सही है, सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक्स का गलत कर दिया गया है, ए होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, राधा इज ए टॉल गर्ल में एडजेक्टिव कौन है, राधा है, इज है, टॉल है या गर्ल है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न जो है ना आपको बिहार टेट में पूछा गया था, बिहार टेट में, सीजी टेट में। देखिए हम यहाँ पर टेट का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे कि सारा प्रश्न ही टेट में पूछा गया है, ठीक है, समय लंबा ना खींचे इसीलिए हमने नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सभी अवश्य देख लीजिए, क्लियर। देखिए व्हिच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, इसमें गिवन सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, ठीक है। देखिए राधा ये किस कोई नाम है, राधा कोई नाम है, तो क्या कहते हैं हम लोग, तो एनी थिंग नेम इज नोन एज नाउन, किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, संज्ञा कह लेते हैं ना, तो राधा संज्ञा है, राधा क्या चीज़ है, संज्ञा है, क्लियर। इज देखिए क्या है, तो इज ऑक्सिलरी वर्ब या इसी को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। गर्ल देखिए ये क्या है, जाति है, ये जाति है, तो ये भी नाउन में जाएगा ना, कॉमन नाउन में जाएगा, ठीक है। अब देखिए टॉल क्या है, टॉल यहाँ पर जो है आपका करेक्टरिस्ट है, विशेषता है, विशेषता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है,
किसी की विशेषता बताता है, इसलिए टॉल यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो वर्ड नीचे दिए गए हैं 15 में एबिलिटी, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है, एंटोनिम क्या होगा वो बताना है आपको। तो इसी को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। फिजिबिलिटी, अनएबिलिटी, इनएबिलिटी या टोटल एबिलिटी। देखिए बहुत ही क्वालिटी से इसको बिहार टेट में, सीजी टेट में, एमपी टेट में और यहाँ पर आपका जो है उत्तराखंड टेट, चारों में ये प्रश्न पूछा था, इसीलिए हमने इसको आपके लिए ला दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो एबिलिटी का देखिए इनएबिलिटी होगा, ठीक है। देखिए आपको हम बता देते हैं, जो टेस्ट सीरीज हमारे साथ, जो टेस्ट सीरीज 20 के जो शिक्षक 1 से 5 में जुड़े हुए हैं, जो पहले से टेस्ट लगा रहे हैं, आज 20वां टेस्ट दे दिए, उनको जो सामाजिक विज्ञान है, जो सामाजिक विज्ञान चल रहा है, वो शिक्षक भी सामाजिक विज्ञान में टेस्ट लगा सकते हैं, अब बताइए क्यों लगा सकते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान में आपको क्या करना है, आपको हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, CDP मिलेगा और GS मिलेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल होगा वो आपका GS में काम कर रहा है, इसलिए आप इसमें भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो जो शिक्षक पहले 20 टेस्ट लगा चुके हैं और फिर इस 20 टेस्ट में शामिल लेंगे नहीं, आपको हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा नोटिस कर दे रहे हैं आपको, इसमें शामिल होइएगा ही होइएगा, जितने शिक्षक जुड़े हैं सभी कोई जुड़ जाइएगा, पैसा नहीं देखिएगा। और आपको तो हम पैसा भी यहाँ देखिए कम कर दे रहे हैं, दशहरा ऑफर में सिर्फ 100 रुपया दीजिएगा, बेस्ट सीरीज का सिर्फ आप 100 रुपया दीजिएगा। ये 100 रुपया कौन से शिक्षक देंगे आप अच्छी तरह समझ लीजिए, जो अभी 1 से 5 टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं उनका हमारे पास नेम यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हमने किया है, वो शिक्षक आज 100 रुपया दे करके जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप ऐसे भी बहुत पैसे बर्बाद कर दीजिएगा, लेकिन आप 100 रुपया दे करके आज यहाँ से ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर करवा लीजिएगा। और 200 टेस्ट सीरीज आपको 100 रुपया में होगा। और देखिए इसमें से 10 हर दिन पुरस्कार रहेगा, आप में से जो शिक्षक, आज अंतिम दिन है, आप में से जो शिक्षक यहाँ से पुरस्कार नहीं लिए होंगे वो आज फोन पे कर देंगे, आपको पुरस्कार की राशि चली जाएगी, नहीं तो इसके बाद इसके लिए कोई पुरस्कार की राशि देय नहीं होगी, आपको बता दे रहे, ठीक है। और आज हमारी टीम की तरफ से आपको बता देते हैं, जितने भी शिक्षक प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, जितने का लिस्ट हमारे पास आ गया है, उनका हम यहाँ पर सभी को हमारी टीम की तरफ से दशहरा की ओर से 10-10 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है, 10 रुपये का सभी को पुरस्कार दिया जा रहा है दशहरा की तरफ से, माँ शारदे माँ की तरफ से। तो ये यहाँ पर आप सभी कोई अपना फ़ोन पे नंबर अवश्य भेज दीजिएगा, आप सभी को 10 रुपये की राशि चली जाएगी। और वैसे शिक्षक सिर्फ भेजेंगे जो कि टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं, किस टेस्ट सीरीज में, 200 टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं और अंतिमवा 20वां टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं, उनको 10 रुपये प्रत्येक शिक्षक को भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी अवश्य फ़ोन पे नंबर यहाँ से कर दीजिएगा, आपको मार्क्स भेज दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड बॉक्स। बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बॉक्स, बॉक्सेज, बॉक्सेन, नन ऑफ दिस, ठीक है। बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बॉक्सेज होगा, ठीक है। देखिए बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है, अधिकरण, कर्म, संप्रदान या प्रदान, ठीक है। देखिए बिल्ली, ध्यान देखिएगा, ये छत है, मान लीजिए ये घर का छत है, ठीक है, छत है, इस पर कौन थी, इस पर बिल्ली थी, ठीक है। बिल्ली कहाँ हो गई, यहाँ से उठ के अब यहाँ पर आ गए,
यहाँ पे बैठ गई, ठीक है। तो ये छत से क्या हो गई, अलग हो गई, ये छत से अलग हो गई, ठीक है। तो छत से अलग हो गई तो अलग में अ और अ से आपादान। अगर कोई चीज़ लगे कि पहले एक में सटा हुआ था और अभी अलग हो गया तो वो आपादान कारक में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपादान कारक है, क्लियर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होगा यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या स्वरो। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको हम लोग युधिष्ठिर कहते हैं। शैव कहते हैं, शैव किसको कहते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, जो विष्णु की उपासना करते हैं, जो किसी की उपासना नहीं करते हैं, ठीक है। तो शैव उसको कहते हैं जो शिव की उपासना करते हैं, उनको शैव कहते हैं, उनको शैव कहते हैं, ठीक है। वाचाल कहते हैं, वाचाल किसको कहते हैं बताइए, वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, जो चुप रहता है, ठीक है। तो जो बहुत बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसको हम लोग वाचाल कहते हैं, ठीक है। राजू किसी काम को 6 दिन में कर सकता है जबकि मोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। राजू किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और मोहन उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, तो राजू का एक दिन का काम का भाग कितना होगा, देखिए 6 है तो एक दिन के काम का भाग 1/6 होगा, और मोहन का उसी काम का एक दिन के काम का भाग कितना होगा, 1/8 होगा। तो जब दोनों मिलकर किसी कार्य करते थे इसी तरह से निकालिएगा। अब इसको हल कर दीजिए, ये भिन्न का क्या हो गया, जोड़ हो गया, तो 1/6 + 1/8, तो 6 और 8 का लघुतम निकालिएगा, हो जाएगा 24, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिएगा तो 24 से 6 × 24 और 8 × 3 = 24 यानी 7/24, ठीक है। 7/24 भाग आया, लेकिन ये काम को कितने दिन में करेंगे, तो जस्ट इसको उलट देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 24/7, क्योंकि एक दिन का 1/2 भाग लिए थे तो कुल दिन में कितना करेंगे वो पूछा गया है। 24/7 इसको पूर्णांक के रूप में लाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा, 7 × 17 = 21, 3 शेष बच जाएगा, तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, 17 × 21 = 24, 24/7, ठीक है। 3 × 3/7 दिन, तो 3 × 3/7 दिन कहाँ है, बी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन भाववाचक संज्ञा है, श्याम, नदी, बचपन या पानी, इसमें कौन भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो श्याम तो आपको क्या होगा बता दीजिए, श्याम क्या होगा, तो श्याम किसी का नाम है इसलिए संज्ञा होगा। नदी जो है ये भी नाम है लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा होगा। पानी ये भी संज्ञा में चला जाएगा यानी द्रव्यवाचक। अब देखिए बचपन, बचपन क्या बता रहा है, अवस्था को बता रहा है, अवस्था गुण दोष भाव इस सबको जो बताता है वो किस में जाता है, भाववाचक में जाता है, किस में जाता है, भाववाचक में, ठीक है। तब बचपन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, ये प्रश्न अब तक रिकॉर्ड तोड़ किया है, रिकॉर्ड तोड़ यानी 1000 से भी ज़्यादा बार अभी तक एग्जाम में आप जहाँ जाइएगा ना तहाँ ये मिल जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, दिमाग बना लिए, कवि यत्री, कौ इत्री, कौत्री, कवि यानी क्या होगा, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है देखिए, कौ यित्री होता है, कौ और य में हर्षी और त्र में दीर्घी, हर्षी दीर्घी याद रखिएगा, कौ लिख के हर्षी दीर्घी, हर्षी दीर्घी, ठीक है, क्लियर, एकदम बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है, राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या कोनी, ठीक है। तो शिक्षा किस सूची का विषय है, राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो शिक्षा देखिए समवर्ती सूची का विषय है क्योंकि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दावा चलता है, दोनों कानून बना सकती है, इसलिए यह समवर्ती सूची में चला जाएगा। सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब या बाइबिल, ठीक है। तो देखिए रामायण तो हिंदुओं का है, कुरान मुस्लिम का है, बाइबल ईसाई का है, बच्चा गुरु ग्रंथ साहिब तो ये आपका सिखों का है,
तो सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से आपको 6 to 8 का भी टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है, बहुत जल्द आजकल में शुरू कर दिया जाएगा। तो आप सभी जितने भी शिक्षक टेस्ट सीरीज में पहले से जुड़े हुए थे, जिनका टेस्ट सीरीज ग्रुप में नाम है, उनको सिर्फ 100 रुपया ही पेमेंट करके 20 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, तो सभी कोई आज यहाँ पर 100 रुपये में ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, 100 रुपया दे करके आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर सारा कुछ आपने देख लिया है, बहुत ही अच्छे तरह से आपको सारा चीज़ दिया जा रहा है। आप बहुत लोग इसमें से हर दिन प्राइज भी ले रहे हैं, आप सभी प्राइज लिए होंगे, लेकिन आज यहाँ पर जो शिक्षक कल के टेस्ट सीरीज में 20वां टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं, उनको आज सभी को 10 रुपये का प्राइज हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से दिया जाएगा। तो सभी को जो हमारे परीक्षा में भाग लिए हैं, जो टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं उनको नहीं, जो टेस्ट सीरीज में जुड़े तो हैं लेकिन परीक्षा में भाग भी लिए हैं, परीक्षा में 20वां टेस्ट सीरीज में भाग लिए हैं, उनको यहाँ पर प्रत्येक शिक्षक को 10 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सभी को यहाँ पर फ़ोन पे नंबर अपना भेज देंगे। धन्यवाद।